केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी कर दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और अन्य लोगों को वापस लाने की अनुमति दे दी है। गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार लोगों को लाने के लिए बसों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बसों को सैनिटाइज करना जरूरी है। इसके बावजूद दूसरे राज्यों में फंसे बिहारी मजदूरों के लिए बिहार के रास्ते बंद हैं, क्योंकि सुशील कुमार मोदी का कहना है कि उनके पास इतनी बसें नहीं है कि सबको लाया जा सके। ऐसे में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने राजस्थान के कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने के लिए 30 बसों की व्यवस्था कर दी है। इसकी जानकारी खुद पप्पू यादव ने दी है। पप्पू यादव ने ट्विटर पर लिखा कि बिहार सरकार के पास धन नहीं है, मैं तन मन धन से हर बिहारी को बिहार वापस लाने को प्रतिबद्ध हूँ। कोटा से छात्रों को लाने हेतु वहाँ 30 बस लगवा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आग्रह है कि वो बस सैनिटाइज करवा कर छात्रों की सुरक्षित यात्रा का इंतजाम सुनिश्चित कराएं। आपको बता दें कि पप्पू यादव लगातार बिहार सरकार से मांग कर रहे थे कि वो कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने की व्यवस्था करें। न्यूज़ डेस्क।